कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द चैनल। अभी शाम का टाइम है और अब भी मैंने जस्ट गार्डन में पानी दिया है और उसके बाद मुझे पूरा गार्डन इतना ही फ्रेश लगा क्योंकि बहुत ज़बरदस्त धूप एंड गर्मी था हम लोगों का सारा दिन। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जाए क्योंकि देखिए प्लांट्स कितने अभी फ्रेश लग रहे हैं, जस्ट नहा के उठे हैं ये लोग। तो शाम के टाइम में पानी देने के बाद एक अलग ही एक नो खूबसूरती हो जाता है गार्डन में एंड यू फील वेरी पीसफुल। जब आप प्लांट्स को देखते हैं ऐसा लगता है कि सारा दिन के बाद प्लांट्स को अभी शांति मिली है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कलाडियम के ऊपर एक जनरल कुछ बातें करूंगी। मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, अपना जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, और मेरे पापा भी गार्डनिंग करते थे बहुत, तो मैं जब से छोटी थी तब से मैंने गार्डनिंग देखा है, देख देख के बड़ी हुई हूँ। तो उसके बाद मुझे भी शौक चढ़ा, देन आई ऑल्सो स्टार्टेड। फेल्यूर होता है, सक्सेस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जो भी करती हूँ आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो लास्ट ईयर मैंने कलाडियम के ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया था, कैसे सेपरेट करते हैं फर्टिलाइज़र, मेरा कलाडियन कलेक्शन एंड सेपरेट जो मैं रेगुलर कितने दिन बाद क्या क्या फर्टिलाइज़र देती हूँ, सब कुछ मैंने कुछ वीडियोस दिया था। उस 4-5 वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जो पिछले साल का था। आज का वीडियो एकदम जनरल होगा। तो आप मेरे कुछ कलेडियम कलेक्शन देखिए। लास्ट ईयर मई महीने में मेरे मैक्सिमम कलेडियम स्प्राउटिंग हुए थे क्योंकि मार्च एंड अप्रैल में हम लोग का बहुत बरसात था। इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरे बहुत सारे कलेडियम स्प्राउटिंग हो गए हैं और कुछ मैं नया भी मैं ले रही हूँ, जैसे आप मेरे शॉपिंग वीडियो में देख रहे हैं। तो और जो जो स्प्राउटिंग होता है वो भी मैं दिखाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं बात करूँगी लाइटिंग। तो आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स लास्ट ईयर भी मुझे पूछे थे कि कैलेडियम को कैसा लाइट चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है जो लोकल वैरायटी, जैसे ये वाला, ये जो थोड़ा एक डार्क कॉर्नर में जब था ये ऐसा कलर था, उसके बाद ये वाला भी बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट है और ये वाइट वाला। तो कैलेडियम के जो वैरायटीज़ हैं, स्पेशली जो लोकल वैरायटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा हीट टॉलरेंट होते हैं, लाइट टॉलरेंट होते हैं, जो डायरेक्ट सनलाइट। मेरा ये वाला तो एकदम सारा दिन धूप में रहने से भी, जुलाई अगस्त का मेरे यहाँ असम में जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तो कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ वेराइटीज़ मैंने देखा है, स्पेशली जो हाइब्रिड वेराइटीज़ या थाई वेराइटीज़ के कैलेडियम हैं, वो सब स्पेशली जो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपको, जैसे ये वाला है, ये वाला पहले भी मेरे पास था, ये थोड़ा लाइट सेंसिटिव है, देखिए नया पत्ता आ रहा है और ये वाला भी थोड़ा लाइट सेंसिटिव है। तो कैलेडियम एकदम इनडोर अच्छा नहीं चलता है। कैलेडियम मैं तो ओपन में रखती हूँ, मैं इंडोर में नहीं, इनफैक्ट मैं बरंदा में भी कैलेडियम नहीं रखती हूँ। मेरा ये वाला एरिया में सारा कैलेडियम मिक्स एंड मैच करके रहता है। यहाँ पर गर्मी में पहले तो अभी 2-2.5 घंटे का डायरेक्ट लाइट आएगा, फिर जुलाई अगस्त में 4 घंटे का पूरा डायरेक्ट धूप आता है फ्रेंड्स। लेकिन मैं क्या करती हूँ, ग्रुप में रखती हूँ। तो कैलामटियम के साथ फाइकस है, एलोकेशियास है, यू नो शफरेला वगैरह है। तो धूप में रखने से इन लोग को मैं एक जो नेचुरल एटमोसफेयर जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो बना रहता है। तो लेकिन फिर भी मेरा भी थोड़ा थोड़ा, जब जुलाई एंड अगस्त में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है तब थोड़ा डिसकलर होता है, लेकिन प्लांट ख़राब नहीं होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट में ही रखती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है आपके वहाँ क्लाइमेट कैसा है। लेकिन फुल इंडोर कैलेडियम मेरे एक्सपीरियंस में अच्छा से ग्रो अब तक तो नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा स्लोली वीकली 1-2 पत्ता निकालता है, लेकिन ऐसे ही ना आज एक स्प्राउटिंग हो गया, नेक्स्ट वीक पूरा पॉट फुल हो गया, ऐसा नहीं होता है। मैंने देखा है, मैंने रख के भी ट्राई करके गया अपने लिविंग रूम में, मैंने देखा। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑल जो खाद है, तो फ्रेंड्स कैलेडियम में मैं सिर्फ एंड सिर्फ गोबर खाद ही यूज़ करती हूँ। मैं जो सॉयल मिक्स बनाती हूँ वो 20% गार्डन सॉयल, 20% कोकोपीट, कभी कभी 40% ही कोकोपीट दे देती हूँ गार्डन सॉयल ना देके, स्पेशली जब मैं नया प्लांट लाती हूँ। जैसे लास्ट काले परसों जो पॉटिंग वीडियो मैंने डाला था उसमें जो नया प्लांट्स में लाई थी 40% कोकोपीट दिया था। अगर मेरा पुराना बल्ब है उसमें मैं 20% गार्डन सॉयल, 20% कोकोपीट देती हूँ, 40% गोबर खाद देती हूँ एंड 20% अगर पार्लाइट घर में हुआ तो पार्लाइट, नहीं तो बजरी या सैंड जो कंस्ट्रक्शन साइट में यूज़ होता है। तो ये वाला आपने ही देखा था आई थिंक लास्ट वीक, 2-3 पत्ता ही था, फिर अभी देखिए पॉट भर गया ऑलमोस्ट। तो गोबर खाद कैलेडियम को इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि नाइट्रोजन गोबर खाद में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मेरे पॉट में क्या होता है, एवरी वीक मैं घास साफ करती हूँ, लेकिन आपको थोड़ा बहुत घास दिख जाएगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। गोबर खाद आप लोग जहाँ देते हैं वहाँ पर घास बहुत ज़्यादा उग आता है और मेरे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा होता है। फिर कैलेडियम का जो वैरायटी है वो भी लोकल होता है, हाइब्रिड होता है, टिश्यू कल्चर वाला होता है। कुछ थाई वैरायटी के मैंने देखा है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव कैलेडियम जो ग्रो भी बहुत स्लो होते हैं, और जो लोकल वैरायटी के हैं जैसे ये वाला, ये बहुत फास्ट ग्रो होता है एंड बहुत ज़्यादा हार्डी होता है, जहाँ पर जैसे रखिए चल जाता है। ये रेड वाला भी, और इतना बड़ा बड़ा पत्ता हो जाता है गोबर खाद देने के बाद, आपका जो गार्डन का एक
अलग ही ब्यूटी आ जाता है। फिर ये जो ग्रीन एंड वाइट में हिलो ब्यूटी, इसको पहले एलोकेशिया बोलते थे, अभी इसको कैलेडियम में यू नो ये शामिल हो गया है। ये वाला जो प्लांट है, ये वाला अभी ऐसा देख रहे हैं, एक महीना बाद अब इसको कंप्लीट वाइट वेरिएशन देखेंगे बिकॉज ज़्यादा सनलाइट आएगा। तो और फिर पानी फ्रेंड्स, अभी मेरे यहाँ गर्मी काफ़ी है और एवरी डे मैं पानी दे रही हूँ। पानी कैलेडियम को बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इसको जो शावरिंग बारिश टाइप का जो पानी है, तो इसके पत्ते को मैं हमेशा धो देती हूँ। जो शावरिंग टाइप का पानी है वो ऐसे मैं इसको दिन में आजकल मैं एक बार पानी दे रही हूँ, लेकिन जब मेरे यहाँ गुवाहाटी में जुलाई एंड अगस्त ये दो महीना अगर बरसात नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्मी आता है, तब मैं सुबह एक बार 5:30 बजे पानी देती हूँ एंड शाम को एक बार ऐसे 5:30 बजे पानी देती हूँ। तो सुबह पानी देने के बाद मेरा प्लांट्स प्रिपेयर हो जाता है सारा दिन का गर्मी के लिए, उसके बाद शाम को फिर से इन लोग को राहत मिल जाता है। लेकिन अब भी मई महीना या जून महीने तक मेरे क्लाइमेट में मैं एक बार पानी देने से हो जाएगा, लेकिन एक दिन पानी नहीं देने से मैंने देखा है थोड़ा टिप्स वगैरह येलो होना स्टार्ट हो जाता है। और इस बार हम लोग का बारिश कम हुआ है, कैलेडियम बहुत अच्छा ग्रो करते हैं अगर आप इसको बारिश का पानी दे सकते हैं तो उस क्योंकि उसमें भी बहुत नाइट्रोजन होता है। अगर आपके आप इंडोर रखे हैं या बैल्कोनी गार्डन में रखे हैं तो अगर बारिश होता है तो प्लीज़ हो सके तो बारिश का पानी जमा करके, नहीं तो बारिश में आप एक दो घंटा अपना पॉट को रख दीजिए, बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। और अगर आपका कैलेडियम में नया पत्ता कम आ रहा है देन वही नाइट्रोजन वाला बारिश का पानी हो, गोबर खाद हो, ये सब ज़्यादा यूज़ कीजिए। कैलेडियम में मैंने आज तक कभी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया और आप देख ही पा रहे हैं मेरे कैलेडियम काफ़ी अच्छे होते हैं। और आप पिछले साल का जो वीडियोज़ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी उसमें भी जाके आप देख सकते हैं कैसे ग्रो हो के एक गार्डन का अलग ही एक ट्रॉपिकल लुक दे देता है। और ये एलोकेशिया कैलेडियम ये सारे आपके गार्डन में दूसरे शफरेला वगैरह, ये देखिए वेराइटीज ऑफ प्राइंस, क्रोटोन्स, मॉन्स्टर, इन सब के साथ ब्रोमिलियस के साथ एक साथ मिलके एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि आपको गर्मी में फूलों की कमी महसूस नहीं होता है। तो कैलेडियम को कैसे सेपरेट करते हैं, अगर आपका पॉट कम्प्लीटली फुल हो गया है कैसे सेपरेट करते हैं वो, फिर सॉयल कैसे बनाते हैं और फिर वाटरिंग कैसे करते हैं और फर्टिलाइज कैसे करते हैं, तो वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब वीडियो में मिल जाएगा। ये जैसे एक जनरल व्यू ओवरव्यू था। और मेरे कोई एक फ्रेंड बोल रही थी कि वो उन्होंने पॉटिंग मिक्स में NPK एंड DAP डाल दिया है, तो फ्रेंड्स अगर आपने डाला है तो कोई ख़राब नहीं होगा, आपका प्लांट में कुछ क्षति नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपोस्ट या गोबर खाद जुगाड़ कर सकते हैं वो ही दे दीजिए, वही काफ़ी होता है। तो आई होप ये छोटा सा वीडियो कलरफुल फोलियज मेरे वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट्स जो है कैलेडियम, आपको अच्छा लगा, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। थैंक यू सो मच।